समकालीन हिंदी कविता के चर्चित युवा कवि महेश आलोक के नए काव्य संग्रह छाया का समुद्र का लोकार्पण हिंदी परिषद के संस्कृत भवन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शब्दम के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कवि उदय प्रताप ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली से आए समकालीन कविता के प्रसिद्ध कवि मदन कश्यप थे। विशिष्ट अतिथियों में लखनऊ से चर्चित युवा आलोचक नलिन रंजन भी, एटा से कामेश्वर प्रसाद जी और फिरोजाबाद से राम स्नेह लाल शर्मा यादावत मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रसिद्ध कवि और पूर्व सांसद उदय प्रताप ने कहा कि महेश आलोक की कविता मनुष्यता को बचाए रखने की कविता है। कवि कर्म समाज से जुड़ा होता है, इसलिए हर कविता समाज को बेहतर बनाने का सार्थक प्रयास करती है। दिल्ली से आए समकालीन हिंदी कविता के बड़े कवि मदन कश्यप ने कहा कि महेश आलोक की कविता हमें नागरिक होने का बोध कराती है। वे सपाट बयानी वाली कविता के इस समय से फैंटसी के माध्यम से कविता की सार्थकता को बचाए हुए हैं। उनकी कविता मनुष्यता पर विश्वास की कविता है। लखनऊ से आए प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नलिनी रंजन ने बताया कि छाया का समुद्र काव्य संग्रह को उल्लेखनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस संग्रह के बिंब बहुत बड़े हैं। महेश आलोक दलदल से शब्दों को निकालते हैं और इसे हीरा बना देते हैं। उन्होंने कई कविताओं का पाठ कर इस विशेषता को रेखांकित किया है। दूसरा काव्य संग्रह आ रहा है लगभग 18 वर्ष बाद, और इन 18 वर्षों में हमने निरंतर अपने को बदलने की कोशिश की। जो हमारा पहला संग्रह था, भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, सोच और संवेदना के स्तर पर, जो समाज से हमारा जुड़ाव रहा है, और मुख्य रूप से जो मैं मानता हूँ यह है कि कविता के शिल्प में परिवर्तन होना चाहिए, नया होना चाहिए। हम जब तक कुछ नया नहीं रचेंगे हम बचे नहीं रहेंगे। तो मैं निरंतर अपनी कविताओं में आज के हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि महेश आलोक का यह संग्रह वर्षों के बारे में, लेकिन इसके पहले इस 18-20 वर्षों में दुनिया में जो कुछ हुआ, जिस तरह की विस्तृतियाँ आई हैं, जिस तरह की असंगतियाँ पैदा हुई हमारे समाज में, तो उन समय और समाज के विडम्बनाओं का एक कोलाज की तरह यह है, जिसमें हम जिसे हम दर्पण की तरह, जिसमें दर्पण शीर्षक कुछ महत्वपूर्ण देता है, तो एक दर्पण समाज के दर्पण की तरह देख सकते हैं और इसके दर्पण में हम पूरे समाज को देख सकते हैं। महेश आलोक की कविताओं को जैसा कि आप जानते हैं, महेश आलोक के कविता संग्रह छाया का समुद्र का लोकार्पण हुआ। छाया का समुद्र शीर्षक ही ध्वनित करता है कि कविता बिंबधर्मी होती है, और महेश आलोक की कविताओं से गुजरते हुए स्पष्ट होता है कि इसमें अतिशय बिंबात्मकता है। महेश आलोक जो कि नगर के कवि हैं और महत्वपूर्ण संदर्भों को उठाते हुए वे नए रूपक रचते हैं।